आदाब दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। और आज हम आप सबको लेके चलते हैं लखनऊ की सबसे पुरानी और मशहूर हाजी साहब की दुकान पर। हाजी साहब की दुकान खोए के लड्डू की वजह से बहुत मशहूर है। खोए के लड्डू इनके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसकी एक कहानी हमने सुनी है कि पहले हाजी साहब एक खुंचा जो होता था सर पे रख के लोग बेचते थे, तो उसमें बूंदी बेचते थे। तो एक दिन हाजी साहब की बूंदी पूरी बिकी नहीं और वो बच गई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस बची हुई बूंदी को कुछ ट्राई किया जाए और कुछ बनाया जाए नया। तो उन्होंने उसमें खोया मिलाया और ऐसे शक्कर वगैरह सारी चीज़ें मिला के लड्डू बनाए। और जब वो लड्डू बन गए तो उन्होंने सोचा था इस लड्डू को हम बेचें। तो जब वो लड्डू बेचे उन्होंने तो लोगों को वो लड्डू पसंद आए और उसकी डिमांड हुई। तो इस तरह से वो धीरे धीरे लड्डू की डिमांड बढ़ती गई और हाजी साहब लड्डू की वजह से मशहूर हो गए। लोग उन्हें लड्डू वाले हाजी साहब कहने लगे। हाजी साहब की दुकान नखास चौराहे पे पीपल के पेड़ के नीचे है। और ये दुकान बहुत ही एक अगर आप देखें तो बहुत ट्रेडिशनल एक दुकान है, क्योंकि आज के ज़माने के हिसाब से ये दुकान बहुत फैंसी नहीं बनी हुई है। पुराने तौर तरीके के हिसाब से ही है। एक पेपर पीपल का पेड़ है और उसके नीचे मिठाई की बेची जा रही है। तो एक देखने में भी वो ट्रेडिशनल दुकान है और वहाँ पर जो चीज़ें मिलती हैं वो भी ट्रेडिशनल मिलती हैं। हाजी साहब की दुकान की एक ख़ास बात और भी हमें पता चली है। जैसे ही हाजी साहब के टाइम पर लोग आते थे और हाजी साहब के पास 5 रुपए या 2 रुपए जो भी लेके आते थे, तो वो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनके घर उनकी दुकान में चाहे 2 रुपए की मिठाई हो या ना हो, लेकिन वो उसको मिठाई ज़रूर देते थे। और वो परंपरा आज भी उनकी दुकान पर कायम है। ये शायद उनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी है, लेकिन ये परंपरा आज भी वैसे ही है जैसे हाजी साहब के टाइम पर हुआ करती। हम लोग 4th generation है। हाजी साहब की जो खोए के लड्डू उसके बारे में हमने बहुत सुना, तो आप उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे वो लड्डू किस चीज के बनते हैं? खोया होता है, नुक्ती होती, बूंदी। ये 1960s में से स्टार्ट हुआ था, जब भाई साहब जो छोटा सा कुछ लगाते थे ऐसी बर्फी टाइप का, ऐसी लेकर चाहिए यहीं इसी पेड़ के नीचे लगाते थे। ऐसी शॉप थी, 2-3-4 आइटम लगाते थे और वो मिठाई के। उसके बाद फिर उन्होंने खोए के लड्डू शुरू किए। बचपन की याद है एक दुकान आपके फादर की या ग्रैंडफादर की, जब वो यहाँ पर बैठे नहीं? याद तो ऐसी कुछ नहीं है। यहाँ पे देते हैं 1 रुपए का, हम लोग आज भी आइटम दे देते हैं। 1 रुपए के 2 रुपए के आइटम आज भी देते हैं। यही है, लेकिन बूंदी जो होती है इसकी नुक्ती होती है वो बिकती थी। सुबह थोड़ी सी बनती थी, बिक जाती थी शाम तक थी। एक दिन बच गई थी तो उसमें हाई साहब जो है उन्होंने कहा खोया मिला करके इसको बना के देखिए बहुत कुछ शहर को बिक जाए। उससे खोए के लड्डू बने, वो बने थे तो उनके हाथ से ऐसे बने थे कि तो उससे बनी जाए। ये 60s में ही है, 1960-1970 के बीच की बात है। वो ऐसे ही लगाते थे बर्फी में लेकर के, जो किस्ती में 2-4 ऐसी मिठाई लेकर चलते हैं, सर पे रख के चलते हैं, कुंडे लगा चलते हैं, वेस्ट टाइप के चलते थे। 1 रुपए के 2 रुपए के आइटम देते थे। स्टार्टिंग में तो 8 रुपए किलो थी, जब बिल्कुल ऐसी बने थे तो 8 रुपए की, आज 40 रुपए किलो। खासियत कुछ नहीं मैम, आप लोग को पसंद है बस, ये खासियत है, क्या बता सकते हैं। आप खुद अपने दुकान के लड्डू खाते हैं या नहीं? खाते हैं। शॉप से खाते हैं या फिर मिठाई खाते ही नहीं है, और हलवाई कोई मिठाई नहीं खाता। ऐसे ही है, आपकी अपनी पसंद है। बात लड्डू की है तो आप लोग की दुआएं हैं, लोगों की मोहब्बत है बस, और कोई एक्स्ट्रा मिलाते नहीं है। तो आप लोग की मोहब्बत है जो आप लोग को पसंद आ जाता है।
जिसमें और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग वही खोया है, वही बूंदी है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। हम बहुत फ्यूज करने वाले साहब काम करते बिजली का, वो यहाँ लाइट काम कर जबसन के साथ आते छोटे थे हम, उम्र होगी हमारी 8-10 साल होगी जब से हम उनके साथ आ रहे हैं। जी जी बहुत शौक से खाते हैं, एक रोज़ आके लड्डू खाते हैं और मैं जी भरा था तब भी लड्डू खाते हैं, एक वो हो गया है चीज़ अच्छी लगती है। हम सिर्फ यहाँ सेल मेली करते बेचते हैं, बनाते कभी कदा जो जैसे अंदर गए तो लड्डू गुल जाती या बना दिया मिट्टी गिरा दी, बहुत कम जैसे कभी गए अंदर कारखाने में तब मैं तो यहाँ बेचते हैं खाने। तो ये शॉप को आप कब से जानते हैं? हम बचपन से जानते हैं इनको। कितने साल के हो गए आप? हम करीब वही 60 प्लस हैं। तो तब से ये दुकान ऐसे ही है? ऐसे ही है, ऐसे ही है, सेम इसी तरह चल रही है। तो आपकी कोई बचपन की याद इस दुकान से जुड़ी हुई? नहीं, बचपन की कोई ऐसा नहीं है, हम लेते हमेशा यहीं से हैं, जब से हमारी वो आई समझ आई है यहीं से लेते हैं। इनकी बड़ी रिप्यूटेड शॉप है और बहुत क्वालिटी सामान इनका रहता है, तो मैं प्रीफर करता हूँ जब भी कोई सामान लड्डू या कुछ भी लूँ तो वो इन्हीं के यहाँ से लूँ, क्योंकि इनकी क्वालिटी है और हर चीज़ जो है वो अच्छा होती है, कोई चीज़ ख़राब नहीं होती है इसके अंदर। आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है यहाँ? सबसे ज़्यादा यहाँ का आप जैसे अंदर से की बूंदी बन रही है ये पसंद है हमें, और भी मिठाइयाँ जैसे वो लड्डू है इनका खोए वाला लड्डू वो भी अच्छा होता है, तो सभी चीज़ें अच्छी होती हैं। हाजी साहब की दुकान पर सबसे सस्ती लखनऊ में अगर हम देखें मिठाइयों की दुकान में तो सबसे सस्ती मिठाई हाजी साहब की दुकान पर मिलती है और इसकी वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है, मतलब खाने में भी स्वादिष्ट है और दाम में भी सस्ती है, इसलिए हर कम पैसे वाला भी जाकर इनकी दुकान से मिठाई खा सकता है। आप सभी लोग हाजी साहब की दुकान ज़रूर जाएं और उनकी मिठाई जाकर ज़रूर टेस्ट करें और ख़ास कर लड्डू ज़रूर टेस्ट करें, ये लड्डू बहुत ही लाजवाब होते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं।